जय हिंदी जय नागरी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो देख रहे हैं उन सबसे फिर से विनम्र अनुरोध है कि वे इस YouTube चैनल को अर्थात जय हिंदी जय नागरी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइसर वेदार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद तथा शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का जो नया पाठ्यक्रम आया है उस पर चर्चा करेंगे। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र एक, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास भाग एक अर्थात आदि तथा मध्यकाल। इसके पाठ्यक्रम में पहला पाठ्यांश है काल विभाजन एवं नामकरण, दूसरा है आदिकालीन हिंदी साहित्य की सामान्य विशेषताएं, तीसरा है भक्ति आंदोलन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिसके अंतर्गत भक्तिकाल के समय की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है, परिस्थितियों का अध्ययन करना है। उसके उपरांत भक्तिकाल की सामान्य विशेषताएं और चौथा पाठ्यांश है प्रमुख कवि, जिसके अंतर्गत संत कबीर के पांच दोहे, भक्त सूरदास के दो पद, गोस्वामी तुलसीदास के दो पद और रहीम के पांच पदों पांच दोहों का आपको अध्ययन करना है। ये विशेष कवियों के पाठ्यक्रम में संत कबीर के पांच दोहों में पहला दोहा है संतन छाड़े संतई जे कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगम बैठिया शीतल तानत जंत। दूसरा दोहा है सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तीसरा दोहा है कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, पावन टीके पिपीलिका खलकन लादे बैल। चौथा दोहा है विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस माधु करी छके रहत दिन रैन। संत कबीर का पांचवा और अंतिम दोहा है पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपछ होय के हरि भजे सोई संत सुजान। संत कबीर के उपरांत कृष्ण भक्त कवि सूरदास के दो पद पाठ्यक्रम में हैं। पहला पद इस प्रकार है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तुहि जसुमति कब जायो, कहा कहूँ एहि रिस के मारे खेलन हो नहीं जातु, पुनि पुनि कहत कौन है माता कौ है तुम्हारे तातु, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसते ग्वाल सब सीखे देत बलवीर। सूरदास का अगला पद है संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, जद पीटेव तुम जानते उनकी तव मोहि कहत आवे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़े ते माखन रोटी भावे,
तेल उबटनो अरुतातो जल ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते, सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, फ़ह करत संकोच। सूरदास जी के पदों के बाद तुलसीदास जी के पद हैं, जिनमें कुछ चौपाइयाँ जो रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत की गई हैं वे पहले पद के रूप में हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहीं विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़े जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। इसके उपरांत तुलसीदास के दूसरे पद के रूप में विनय पत्रिका का सुप्रसिद्ध पद पाठ्यक्रम में लगाया गया है। अब लो नसानी अब न नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, पायऊ नाम चारु चिंता मनी, उर करते न खसै हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसै हो, पर बस जानि हस्यो इन इंद्रिण, निज बस होय न हसै हो, मन मधुकर पन के रघुपत तुलसी रघुपति पद कमल बसै हो, मन मधुकर पन के तुलसी रघुपद कमल बसै हो। इसके उपरांत भक्तिकाल के ही सुप्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना के 5 पद आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट किए गए हैं। पहला दोहा है, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। दूसरा दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो फूले फले अघाय। तीसरा दोहा है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहिमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। चौथा पद है, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहिम हन हरि को घटियो जो भृगुमारी लात। पांचवा दोहा है, जैसे जाकी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहां सो जाए। अगले पाठ्यक्रम के अंश में तीसरा काल है रीतिकाल। रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रीतिबद्ध रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्यधाराएं, इन सब का सामान्य परिचय। इसके उपरांत हम देखते हैं कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र प्रथम में अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास भाग एक आदि तथा मध्य काल में कोई विशिष्ट पुस्तक बनाई नहीं गई है, किंतु इसके अध्ययन के लिए जिन संदर्भ ग्रंथों का पढ़ना आवश्यक है उनमें से 10 संदर्भ ग्रंथ निम्न प्रकार से हैं। पहला संदर्भ ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, लेखक डॉ. गणपति चंद्र गुप्त, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। चौथी पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, लेखक हैं डॉ. बच्चन सिंह, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली। पांचवी पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक और दो, लेखक हैं डॉ. विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। छठी पुस्तक है
हिंदी साहित्य का आदिकाल। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली। सातवीं पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, मयूर पेपर वैक्स, नोएडा। आठवीं पुस्तक का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक डॉक्टर माधव सोनटक के विकास प्रकाशन, कानपुर। नौवीं पुस्तक है हिंदी साहित्य का सही इतिहास, डॉक्टर चंद्रभानु सोनवणे, आलोक प्रकाशन, औरंगाबाद। तथा अंतिम एवं दसवीं पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, लेखिका हैं डॉक्टर सुमन राजे, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दिल्ली। अब हम इस पाठ्यक्रम पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक लेखन किस प्रकार है, इस बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय ने इस बार चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम, इस परीक्षा पद्धति का अवलंब किया है। अतः इस बार से जो परीक्षाएं होंगी परंपरागत रीति से न होते हुए कुछ अलग पद्धति से होंगी, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं समझ लेना बहुत आवश्यक है। पहली सूचना है, पहला और दूसरा प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें से पहला और दूसरा प्रश्न अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा। दूसरी सूचना है, पहला और दूसरा प्रश्न छोड़ करके शेष प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तीसरी सूचना है, अर्थात कुल मिलाकर के छह प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और प्रश्न पत्र के प्रारूप में दाहिनी ओर प्रश्नों के पूर्णांक दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, समग्र पाठ्यक्रम पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 अंकों के लिए, जिनमें अ जो उपप्रश्न है उसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 5 अंकों के लिए, और आ एक वाक्य में उत्तर लिखिए 5 अंकों के लिए। प्रश्न दूसरा, प्रमुख कवि पर विकल्प सहित ससंदर्भ व्याख्या कीजिए 6 अंक। ध्यान रहे, पाठ्यक्रम बताते समय हमने प्रमुख कवि संत कबीर, भक्त सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास एवं रहीम अर्थात अब्दुल रहीम खान खाना के क्रमशः 5 दोहे, 2 पद, 2 पद और 5 दोहे, अर्थात संत कबीर के 5 दोहे, भक्त सूरदास के 2 पद, गोस्वामी तुलसीदास के 2 पद और रहीम के 5 दोहे जो दिए हैं, उस पर उनमें से 2 आएंगे और 2 में से 1 आपको लिखनी है जो विकल्प सहित होंगे। प्रश्न तीसरा, आदिकाल पर दीर्घोत्तरी प्रश्न। आदिकाल का जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित एक दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा 6 अंकों के लिए। उसके उपरांत चौथा प्रश्न होगा भक्ति काल पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो 6 अंकों के लिए है। प्रश्न पांचवा प्रश्न रीतिकाल पर पूछा जाएगा, वह भी 6 अंकों के लिए होगा। और छठा प्रश्न प्रमुख कवि पर दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा 6 अंकों के लिए। सातवां प्रश्न रीति काव्यधारा पर दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा 6 अंकों के लिए। और अंतिम प्रश्न है आठवां प्रश्न, टिप्पणियाँ लिखिए जिन पर काल विभाजन पर एक टिप्पणी विकल्प सहित रहेगी और नामकरण पर विकल्प सहित एक टिप्पणी रहेगी 3-3 अंकों के लिए। इसलिए कुल मिलाकर के आठवां प्रश्न 6 अंकों के लिए होगा। एक बार ध्यान रहे कि इन 8 प्रश्नों में से पहले 2 प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ससंदर्भ व्याख्या कीजिए अनिवार्य हैं। उसके उपरांत तीसरे प्रश्न से लेकर के 8वें प्रश्न तक कोई 4 प्रश्न ही आपको हल करने हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 6 प्रश्नों का के उत्तर आपको लिखने हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि ये जो 40 अंकों का प्रश्न पत्र है
इसके अलावा अंतर्गत मूल्यांकन को 10 अंक दिए गए हैं और अंतर्गत मूल्यांकन के 10 अंकों का भी विभाजन अंतर्गत परीक्षा 5 अंकों के लिए और किसी विषय पर अपना वक्तव्य संगोष्ठी के रूप में सेमिनार के रूप में देने के लिए 5 अंक, इस प्रकार कुल मिलाकर के 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के हमारा पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का प्रारूप तथा अंक विभाजन। अब इसके उपरांत ये वीडियो जो छात्र देख रहे हैं उन सबको फिर से हम धन्यवाद करते हैं। कोई बात समझ में न आई हो तो इसी वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से फिर से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी को अधिक से अधिक पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर टिप्पणियाँ लिखिए, कमेंट कीजिए, अन्य छात्रों को फॉरवर्ड कीजिए, अग्रेषित कीजिए और इस बेल आइकॉन को दबा करके, घंटी को दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई नोटिस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। एक बार फिर से अनुरोध है कि इस प्रकार से इस बेल आइकॉन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को फिर से धन्यवाद और आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगली वीडियो आने पर इसी प्रकार से आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। जय हिंदी जय नागरी।